इमरजेंसी मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सख्त निर्देश के बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बीती रात ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जिसमें एक दुर्घटना में घायल मरीज को इमरजेंसी में इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ उसे कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद उस हॉस्पिटल ने मरीज को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के बजाय उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उस मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं जीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर अच्युत बेस ने कहा है कि मरीज की कोरोना के कारण नहीं, बल्कि दुर्घटना में चोट लगने के बाद सही समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस मरीज की मौत का जिम्मेदार कौन है। আমার তাত মৃত্যু দুটা হয়েছে, এটা আমার এন এম কেয়ার হসপিটালের পর আইছে, এটু আমার উপরলৈকে আইসিইউ গই না পালে তলতে ঢুকালে, গতি সেই মৃত্যুটা আমার স্থানটহে গুহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, সেই অলরেডি ইতিমধ্যে বেলেগ বেমারের কারণে চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল, আর সেই বেলেগ বেমারের কারণে চিকিৎসাধীন হয়ে থাকার পিছত কোভিড পজিটিভ হল, কোভিড পজিটিভ হওয়ার কারণে তারপর আহি গেল, আহার লগে মৃত্যু হল। ঠিক তেনেকে তার আগদিনাখন রাতি এটা কেস ভর্তি হয়েছিল জে এন আর সির পর, আর বিশেষকৈ মই এটা অনুরোধ জানাও চিকিৎসালয় কেখনক, যে কোভিড পজিটিভ হলেই যে পেশেন্টটু অস্পৃশ্য হয়ে যায় তেনেকুৱা নহয়, তেনেকুৱা পরিবেশ এটা সৃষ্টি করব নালাগে, কারণ তেওঁলোকে কমিটমেন্ট দিছিলে যে প্রাইভেট সেক্টরও আমাক সহায় সহযোগ করব, কিন্তু এই দুটা কেসের ক্ষেত্রে মই দেখিছো যে যেই পজিটিভ হয়েছে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকের মানে আত্মীয় স্বজন আহি পেলে আমার ওসরলে আহিছে, তেওঁলোকে কেসটো নারাখে, ইমিডিয়েটলি আনিব লাগে। প্রথম কেসটো হেড ইঞ্জুরি আছিল, হেড ইঞ্জুরি কেসটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তাত চিকিৎসা আরম্ভ নকরিলে, বহুত ডিলে হয়ে গেল, ডিলে আমার তাত আহিলে রাতি, রাতি আহার পিছত কিন্তু রাতিপুয়া মৃত্যুমুখত পড়ে, গতি এই দুটা মৃত্যু মই যদি আজি কোভিড হিসাবে দিও, হয় তেওঁলোক কোভিড পজিটিভ হয়েছে কিন্তু মৃত্যুটো কোভিডের কারণে নহয়। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी संदीप शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। संदीप, इस तरह की जो घटना है काफ़ी चौंकाने वाला है, खासतौर से कोरोना का तीसरा जो वेव है वो चल रहा है, और इस बीच कई सुधार हुए हैं, सरकार ने कई हिदायतें भी दिए निजी अस्पतालों के, फिर भी इस तरह के जो मामले हैं सामने आ रहे हैं, ये लोगों के लिए परेशानी हो रही है। अब इसे लेकर किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं और क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी रविंदर, ये निसंदेह जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो है सबसे बहुत बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सख्त कहा था कि जो भी पेशेंट जो इमरजेंसी पेशेंट जो है प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनकी जो कोविड की जो जांच है वो प्राइमरी नहीं होनी चाहिए, सेकेंडरी होनी चाहिए, जो जिस बीमारी के लिए इलाज के लिए वो जो मरीज आए हैं उनका इलाज सबसे पहले किया जाए, ना कि कोविड की जांच की जाए। और साथ ही कहा गया था कि जो भी चिकित्सक ऐसे मरीजों का इलाज करेंगे उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत पीपी किट पहन के हो या ग्लव्स, ये सब जितने मास्क है सभी पहन के इलाज करने के लिए कहा गया था। तो लेकिन जब ये साफ जो देखा जा रहा है रविंदर, की जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने जो अधिसूचना जारी करके प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो आदेश दिए थे उसका सीधे से उल्लंघन है, और ये अनुराग गोयल ने जब ये नोटिफिकेशन दिया था उसमें साफ कहा था कि सेकेंड और फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में जो है ना इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली थी, खास करके दूसरी लहर में जब प्राइवेट हॉस्पिटल जो है कोविड मरीजों को दूसरे बीमारियों के इलाज के लिए मरीज आते हैं और उन्हें उन्हें अगर कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो उनका इलाज ना करके उन्हें सरकारी अस्पतालों में भेज दिया जाता है। तो ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर सभी अस्पतालों को सबसे पहले जो है इमरजेंसी मरीज आते हैं उनका इलाज करने के लिए कहा गया था। लेकिन इस तरह से अगर दोनों अस्पतालों को, मैं रविंद्र बता दूं, ये जो दो अस्पताल का जो अभी ने जीएमसी के प्रिंसिपल ने जो नाम लिया वो गुवाहाटी के बड़े अस्पतालों में से है, और ऐसे अगर बड़े अस्पताल इस तरह से चूक करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो निसंदेह जो है मरीजों के जान से खेलने का जैसा ही एक कहा जा सकता है रविंद्र। संदीप, अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से सरकार भ्रष्टाचार हो या जो अराजकता हो या जो अनियमितता हो इसके खिलाफ काफ़ी बड़े कदम उठा रही हैं, लेकिन इस तरह के मामले जो हाल फिलहाल में सामने हैं सरकार के सामने और लोगों के लिए एक चुनौती है, बड़ी परेशानी है, इस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? हमने देखा है कि निजी अस्पतालों पर बहुत कम ही कार्रवाई हो पाती है, लेकिन ये जो मामला है जिसमें मरीज की मौत हो गई है ये तो काफ़ी गंभीर मामला है, आखिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं उन अस्पतालों के खिलाफ जो इस तरह की लापरवाही बरतते हैं?
जी रविंदर, निसंदेह जो है सरकार को इस ऐसे गंभीर विषयों पर निसंदेह जो है सख्त कदम उठाने होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल या जो भी अस्पताल इसमें जिससे लापरवाही का मामला सामने आता है वैसे अस्पतालों को जवाबदेही करना होगा, उन्हें उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे, तभी जाके जो है ये इस तरह के जो एक धारा जो है पिछले सेकंड वेव में हमने देखा था कि बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, कईयों की जान चली गई थी, और तीसरे वेव में भी हमने कल और परसों के मामले में देखे तो दो लोगों की जान चली गई है। तो निसंदेह जो है सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है इस तरह से अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो उनको किस तरह से मनाया जाए। क्योंकि रविंदर, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि फर्स्ट वेव जब कोरोना का असम में शुरू हुआ था तब प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये वादा किया था सरकार से कि सरकार के साथ हैं हम कोविड के महामारी की लड़ाई के खिलाफ, प्राइवेट हॉस्पिटल से जितनी संभाव है जितनी मदद होगी उतनी हम मदद करेंगे। तो लेकिन जो वादे किए गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर से वो अभी पूरे नहीं किया जा रहा है। सीधा ये दो मामलों में तो निसंदेह ऐसा ही देखने को मिल रहा है रविंदर। तो निसंदेह जो है सरकार को जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्य धांधलियों के खिलाफ सरकार जिस तरह सख्त कदम उठा रही है, निसंदेह जो है सरकार को ऐसी लापरवाहियों के खिलाफ भी हॉस्पिटल्स हो या जो भी संबंधित विभाग इससे लापरवाही बरतते हैं उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है रविंदर। जी संदीप, अगर हम देखें तो पिछले दोनों जो फेज हैं कोरोना के उसमें हमने देखा कि किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर सवाल खड़े हुए थे, कोविड मरीजों को वहां से लौटाया गया था और सीधे जीएमसीएच या दूसरे सरकारी अस्पताल में भेजा गया था, ये परंपरा नहीं बंद हो रही है। जबकि सरकार पहले ही सरकार ने साफ कर दिया है कि कोविड मरीजों को प्राइवेट अस्पताल भर्ती कर सकते हैं, अपने यहाँ उनकी रखवाली कर सकते हैं, उनका देखभाल हो सकता है, इलाज हो सकता है, फिर जीएमसीएच में भेजने की क्या ज़रूरत है? वही रविंदर, ये बात हम सबके लिए चौंकाने वाली है क्योंकि अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है जो कोविड मरीजों की इलाज मरीजों का इलाज चल रहा है, और ऐसे में अगर जीएमसीएच के प्राचार्य ने सीधा साफ कहा कि कोरोना मरीज जो होता है कोई अछूत नहीं है तो उसे अछूत की तरह से उसको ट्रीट ना करे, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं वहाँ पे अपने एकोमोडेट कर रहे हैं उन लोगों को सही से इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भी भेज रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह की घटना जो है और निसंदेह जो है एक मानसिकता जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बने हुए है उसको तोड़ने की जो चैन जो है उस चैन को तोड़ने की जरूरत है। सरकार को भी इसके लिए पहल करनी होगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आगे आना होगा, खास करके जो बड़े हॉस्पिटल्स है उन्हें अपनी जिम्मेदारी सही से निभानी होगी, तभी जाके जो है एक जो मानसिकता बनी हुई है कि कोविड मरीजों को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से सीधा सरकारी हॉस्पिटल में फिर छोड़ दिया जाए, तो इस ये मानसिकता को तोड़ना बहुत जरूरी है रविंदर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए संदीप आपका। तो एक बार फिर गुवाहाटी में निजी अस्पतालों की लापरवाही सामने आई है, कोरोना का हवाला देकर निजी अस्पताल ने मरीज को जीएमसीएच में भेज दिया जहां मरीज की मौत हो गई है, तो ये काफ़ी गंभीर मामला सामने आया है गुवाहाटी से।